धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, और धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि जहां पर हम तेरी मदद से और वो तैयारी जो खुदावन तूने हमको दी है तेरी बंदगी और इबादत से, हम तेरी आवाज को, तेरे वचनों को खुदावन एक बार फिर से खामोशी के साथ पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें और तुझसे दुआ मांग सकें कि हम इन वचनों को जब सुनते हैं तो इनको हम मानने वाले भी बन सकें। पिता परमेश्वर, जो हमारी तैयारी है आज के इस वचन को सुनने के लिए, उस पर तेरी बरकत हो, तेरी आशीष हो, और अगर कुछ कमी है, हमारे मन में कोई शोर या किसी किस्म की हलचल है, तो प्रार्थना करते हैं उसको खामोश करना, ताकि हम पूरे ध्यान के साथ, पूरे मन के साथ, सच्चाई में और आत्मा में खुदावन तेरे कलाम को, तेरी बातों को सुने। अपने आप को और इस वक्त को तेरे हाथों में सौंप देते हैं, और खुदावन जो मेरी तैयारी है आज तेरे वचन को तेरे लोगों तक पहुंचाने की, उस पर भी तेरी बरकत हो। ये दुआ हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। ये दरवाजा बंद कर देंगे जो गैलरी का है, आगे वाला। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनता है और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। जब भी हम मुबारकबादियों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान एकदम से जाता है मत्ती की इंजील पर, उसके पांचवें अध्याय पर, जहां धन्य वचन है ना, बीएटीट्यूड्स। हम एकदम से सोचते हैं कि धन्य वचन या बीएटीट्यूड्स मत्ती की इंजील में पांचवें अध्याय में। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे गौर से तो वहां पर आप बहुत सारी जगहों पर पाएंगे जहां पर मुबारकबादियां लिखी हुई हैं, जहां पर बीएटीट्यूड्स, जहां पर धन्य वचन है ना, आशीष वचन जहां पर लिखे हुए हैं। और यहां पर भी इस किताब में, बाइबल की आखिरी किताब में, हम इसी तरीके से धन्य वचन को हम पाते हैं। और जैसे पहले जब प्रकाशित वाक्य को हम देख रहे थे, उसमें से सरमन साहब सुन रहे थे, तो वहाँ पर बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि प्रकाशित वाक्य जिस समय में लिखी गई, जिस माहौल में लिखी गई और जिस तरीके से लिखी गई, तो वहाँ पर उस समय के, उस संस्कृति, उस कल्चर के जो लिखने का तरीका था उसको इस्तेमाल किया गया। जैसे अगर आप अपनी बात किसी से कहना चाहते हैं तो बहुत तरीके से कह सकते हैं, खामोश रहकर भी कह सकते हैं, आप बोलकर भी कह सकते हैं, आप लिखकर भी कह सकते हैं, आप कविता के रूप में कह सकते हैं, आप गीत के रूप में कह सकते हैं, आप स्किट के रूप में कह सकते हैं, आप एक अच्छा खासा प्ले, नाटक बनाकर आप उस बात को कह सकते हैं, आप मूवी बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं। और हर एक जो ये कैटेगरीज हैं, इनके तरीके फर्क हैं। आप दोहे के रूप में भी कह सकते हैं। और जब आप इन तरीकों को देखते हैं, मकसद क्या है कि अपनी बात को पहुंचाना है लोगों तक, और जिस तरीके से लोग समझें उस तरीके से आप उनको वो बात को समझाओ। हर एक कल्चर में, हर एक ट्रेडिशन में तरीके फर्क होते हैं। टाइप्स ऑफ लिटरेचर, जो लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो समझते हैं कि लिटरेचर के जो तरीके हैं, है ना, जो उनका जेनर है, वो फर्क होता है। और यहां पर जो तरीका यहुन्ना ने इस्तेमाल किया,
वो तरीका उस वक्त के यूनानी सभ्यता का था, यूनानी कल्चर का, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं एपोक्लैप्टिक लिटरेचर, मतलब बात कह भी दी जाए और पता भी ना पड़े, अपना मैसेज हम पहुंचा भी दें और जो सुनने वाला है वो इशारा समझ जाए कि क्या बात हुई है, और जब वो अगर पब्लिक में चला जाए तो पब्लिक में पता भी ना पड़े। कोडेड लैंग्वेज, कोड्स, है ना, कुछ बातें हैं जो आप और आपके अजीज ही समझते हैं, जब आप उस शब्द को बोलते हैं तो वही समझेगा कि हाँ ये शख्स मुझसे बात कर रहा है क्योंकि ये ऐसे बोलता है। और उस वक्त रोमी साम्राज्य था, और रोमी साम्राज्य जब था और उसकी क्रूरताएं, उसकी क्रुएलिटी कि किस तरीके से उन्होंने विश्वासियों को तरसाया, उनको मारा, उनको पीटा, उनको जान से मार दिया, आग का इस्तेमाल किया मारने के लिए, शेरों का इस्तेमाल किया, एक मजाक सा बनता था रोम का जो एम्फी थिएटर था, जो आधा टूटा हुआ भी दिखता भी है, रोम में अगर आप जाएं उसके पिक्चर्स भी आज भी हैं, उसमें मसीहों को छोड़ देते थे अंदर और फिर शेर छोड़ देते थे, वो मजाक सा बनता था ना, और उनके लिए खेल था, उनके लिए एंटरटेनमेंट था कि देखो शेर किस तरीके से एक इंसान को खाता है, जिंदा जला देना और तलवार से मार देना। अगर आप मसीह हो, मसीह की इबादत करते हो और लोगों को मालूम पड़ जाए तो उनका जीना मुहाल था, जीना आसान नहीं था, बहुत तकलीफें थी, बहुत कठिनाइयां थी। और उसका जिक्र डायरेक्ट नहीं कर सकते थे उस जमाने का, जो क्रूरताएं थी जो विश्वासियों पर थी। अब आप अपने आप को उस वक्त में ले जाएं, आज से लगभग 2000 साल पहले जब ये पुस्तक लिखी गई थी, तो यीशु मसीह AD 96, जैसे आज AD 2015 है, ऐसे था एक समय AD 96, पहली शताब्दी के आखिर में ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है ये लिखी गई। और उस वक्त रोम का जो परसिक्यूशन था चर्च के ऊपर वो बहुत ऊपर था, बहुत ज़्यादा था, और वहाँ पर आप अपने आप को उस वक्त में ले जाएं और इमेजिन करें उन हालातों को कि किस तरीके से वो लोग विश्वास में बने रहे। अगर उनका विश्वास टूट जाता तो वो विश्वास की जो कड़ी थी वो टूट जाती, आज हम लोग यहां पर नहीं बैठे होते। जिंदा ईमान बुजुर्गों का जो हम गीत गाते ना, वो इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने उन दुख और तकलीफों में, मृत्यु के कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में, उन्होंने ईमान को थामे रखा। काफी लोग हलाक हो गए, मारे गए, कुछ बच गए, और उनकी दुआओं का, उनकी मेहनतों का, कोशिशों का नतीजा ये रहा, उनके प्रचार के कामों का नतीजा ये रहा कि कलीसियाएं आगे चलती रहीं। नहीं तो विश्वासियों का, क्रिश्चियंस का तो नामो निशान पहली दो शताब्दी में तो खत्म हो गया होता। पूरी कोशिश की गई थी कि ये लोग जिंदा ना रहें। अभी भी आपने टेलीविजन पर वो तीन अमेरिकन हॉस्टेजेस या तीन जो लोग थे जिनको आतंकवादियों ने, जिनका सर कलम किया था, YouTube पर बहुत चल रहा है और आजकल कई फ़ोनों पे भी आप देखते हैं कि जिंदा आदमी को उसको सर पीछे करके ऐसे और यहाँ से चाकू से, वो TV पर भी दिखाया गया था, कई बार दिखाया था, हालांकि वो दृश्य तो नहीं दिखाया गया, वहाँ उसको ब्लर कर दिया गया, पर वो दृश्य दिखाया गया था। आप जब ऐसी मौत को देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कई देख भी नहीं पाते। अब आप उस वक्त में सोचिए जब लोगों को जिंदा उस स्टेडियम में, उस थिएटर में छोड़ दिया जाता था और फिर भूखे शेर छोड़ दिए जाते थे,
कैसे वो शेर उन लोगों को, विश्वासियों को खींचते होंगे, फाड़ते होंगे, खाते होंगे, बेहुरमती करते होंगे, कैसे वो लोग तलवारों से मारे गए, कैसे वो लोग पथराव कर करके मारे गए। कुछ का जिक्र भी है बाइबल में, स्टीफनुस का जिक्र है जो सबसे पहला शहीद विश्वासियों में रहा, कैसे कैसे पत्थर मार मार के उनको मारा गया और कैसे कैसे उनका सोशल बॉयकॉट, पॉलिटिकल बॉयकॉट बहुत तरीकों से सताया गया। उस संदर्भ में यह पुस्तक लिखी गई। परमेश्वर के आत्मा ने अपने लोगों पर तरस खाया और तरस इस तरीके से खाया कि उनके दुख और तकलीफों को दूर नहीं किया, क्योंकि जो कलीसिया की नींव पढ़नी थी, हमारी जो नींव पढ़नी थी वो मजबूत होनी चाहिए थी, और उसको मजबूत होने के लिए आग में से निकलना जरूरी था। उन ईंटों को तपाया जाना था। और आप लोग जो ईंट खरीदते हैं मकान बनाने के लिए, ईंटों के भी बहुत सारे किस्म होते हैं। हम लोग ईंट बजा के देखते हैं जिसमें एक मेटल की आवाज आए, टन सी आवाज आती है, वो पकी हुई ईंट होती है, वो भट्टी में तपाई गई अच्छी तरीके से। एक ईंट होती है भुरभुरी सी, जरा सा मारो टूट जाती है, वो कच्ची कच्ची ईंटें होती हैं, उनका रंग भी फर्क सा ही होता है। तो जरूरी था कि जो चर्च की फाउंडेशन थी, वो तो आधार है ना हमारा, वो लोग तो, वो कलीसिया तो आधार है, बेस है, फाउंडेशन है, और उसका आग में से होकर जाना बहुत जरूरी था। उनको दुख और तकलीफ सहना बहुत जरूरी था। उनकी नींव प्रभु यीशु मसीह, उसको तो और उनसे ज्यादा भयंकर दुखों में जाना था, उसको तो उनके पाप भी अपने ऊपर लेने थे और उस शून्य में जाना था जिसमें हम लोगों को जाना था, उस अंधकार में, उस मृत्यु में जाना था। जब एक हृदय के ऊपर दूसरा हृदय रखा गया, और आज जो हम इतने आराम से हैं, वही जो हमारी बुनियाद है बहुत मजबूत है। और उन लोगों के लिए ये किताबें लिखी गईं, यूहन्ना ने लिखी। यूहन्ना भी उस वक्त जेल में ही था, बुजुर्ग था, जेल में था, और उसका मरना था, उसको उम्र कैद थी, तो वो वक्त आसान नहीं था विश्वासियों के लिए, हर तरीके से आसान नहीं था। ऐसे मौके पर, ऐसे वक्त में उनके ईमान को बनाए रखने के लिए, उनकी उम्मीद को बनाए रखने के लिए, उनकी मोहब्बत मसीह से और मसीह के लोगों के लिए बनाए रखने के लिए जरूरी था कि परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना को इस्तेमाल करे और उनको वो वचन, वो बातें बताए और सुनाए जिससे ये लोग मजबूत हो सके। जाएंगे तो सही जरूर आग में से, वो आग नहीं हटाई परमेश्वर ने। एक अच्छी एक पोएम सी है, कई जगह पर मैंने पढ़ी है, कि जब मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे दुख, मतलब मेरा, मेरे को खुशी हो, आनंद हो, तो परमेश्वर ने मुझे दुख दिए, इस तरीके से कोई प्रार्थना है, एकदम से याद नहीं आ रही मुझे। When I ask God to give me peace, उसने फिर कुछ किया मेरे लिए जो ऑपोजिट था। एक अच्छी, नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा वो आपको पोएम। परमेश्वर ने वो आग को, उस परसिक्यूशन को नहीं हटाया, पर उसको बर्दाश्त करने की ताकत दी। जैसे पौलुस रसूल, वो भी बहुत तकलीफों में था, उसका भी जीवन आसान नहीं था, वो भी बयान करता है कि कैसे कैसे वो तूफानों में फंसा, कैसे कैसे लोगों ने उसे गलत समझा, कैसे कैसे लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई, कैसे कैसे लोगों ने उसे बदनाम किया, कैसे कैसे वो जेलों में डाला गया, और आखिर में पॉल भी, है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जीवन भर की उस कैद के लिए नियुक्त कर दिया गया था, जहां से उसने बहुत सारे खत लिखे। तो वो कैद
वो दुख और तकलीफें, वो कमी और घटी, वो नहीं हटाए परमेश्वर ने, पर हाँ परमेश्वर ने उनको बर्दाश्त करने की ताकत दी। और आज मैं और आप भी कुछ इसी तरीके से हैं। हो सकता है हम अपने दुश्मन को सामने नहीं देख रहे, हो सकता है कंपैरेटिवली हमारा जो जीवन है आसान सा है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ गवर्नमेंट में, मसीह लोग घबराने लगे क्या होगा, थोड़ा सा शिकंजा अभी टाइट होने लगा तो घबराने लगे, पर फिर भी खुदावंद का शुक्र है कि हम कम से कम फिजिकली, सोशली और पॉलिटिकली अभी हम सताए नहीं जा रहे। पर अगर परमेश्वर समझेगा कि ज़रूरी है, अब ये हिल रहे हैं, इनको तपाना ज़रूरी है, और वो जो सूप प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना कि उसका सूप उसके हाथ में है, गेहूं अलग भूसी अलग, टाइम टाइम से होता रहता है, ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलता रहता है। तो उस माहौल में परमेश्वर ने ये वचन दिया, और आज भी मेरे और आपके जिंदगियों में डायरेक्ट कोई अटैक शैतान का तो हो सकता है, हो भी दिख रहा हो हमें, पर आज भी अगर आप स्ट्रगल में हैं, आप विश्वासी हैं, और मैं मानता हूं कि आज आप चर्च में हैं, जो लोग आप बैठे हैं मुझे आपकी सबकी जगहें ज़्यादातर मालूम हैं, आप चर्च आते हैं, आपके अंदर भी स्ट्रगल चल रही होगी, हो ना कोई स्ट्रगल अच्छे और बुरे के स्ट्रगल चल रही होगी, और उस स्ट्रगल में आप महसूस कर रहे होंगे, अगर आप विश्वासी हैं और आप उसमें विजयी होना चाहते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि कितना दर्द होता है, कितना दुख होता है जब हम आजमाइशों का सामना करते हैं, जब हम शैतान का सामना करते हैं, जब शैतान को हम थोड़ा हाथ दिखाकर ऐसे रोकते हैं, आपको उसका जो प्रभाव है, जो उसका जो अटैक है वो आपने महसूस किया होगा, विश्वास को हिलाने वाला, विश्वास को हिलाने वाला। पर उस वक्त के लोगों ने तो ना सिर्फ विश्वास के तौर पर बल्कि जिस्मानी तौर पर भी नुकसान उठाया, सोशली नुकसान उठाया, पॉलिटिकली नुकसान उठाया, इकोनॉमिकली नुकसान उठाया, और वो कई बार हमारे साथ भी हो जाता है। अगर आप विश्वास में हैं, हो सकता है आप इकोनॉमिकली नुकसान उठाएंगे। अगर आप विश्वास में हैं, ईमानदार हैं, तो आप इकोनॉमिकली पैसे के तौर पर जरूर कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे, क्योंकि आप जब बोलेंगे नहीं ये गलत रास्ता है, तकलीफ तो होगी। इसी तरीके से जब आप किसी और चीज के लिए ना बोलेंगे तो सामाजिक तौर से, पारिवारिक तौर से तकलीफ तो होगी। तो ये जो वचन है ये मेरे और आपके लिए भी उतने ही हैं कारगर जितने उन लोगों के लिए थे। मैंने इसलिए उनके संदर्भ को बताया क्योंकि ये जो मैसेज है इस किताब का और इन वचनों का आज मेरे और आपके लिए भी है। ये लोग उस वक्त रोम के साथ जंग में थे और आज हम डायरेक्ट शैतान के साथ और शैतानी हरकतों के साथ हम जंग में हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, विश्वास को थामे रहने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं, ईमानदार बने रहने के लिए हम अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं, गिरते भी हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं। हो सकता है आपने दिसंबर के आखिर में बहुत सारे प्रण किए हों, एक महीना निकल गया है, अब आप स्ट्रगल वो शुरू हो गई होगी, शैतान उसकी ताकत आपको जीने नहीं दे रही होगी कि नहीं ये प्रण तो बेकार का है छोड़ो, आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। और कोई भी भली बात हमारे जीवन में आए ये शैतान को भाता नहीं, कोई भी भली बात, चाहे आप एक आदत डालना चाहें कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं और सुबह मैं अपना ये रूटीन रखना चाहता हूं, ये भली बात है, ये आपके लिए हर तरीके से लाभदायक होगी, पर शैतान नहीं करने देता।
उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है कि नहीं, रात को मैं किसी तरीके से भी इस वक्त तक सो जाऊंगा। पर देखिए, आप ट्राई करिए, मैं भी इसी स्ट्रगल में हूं, मैं कोई फर्क नहीं हूं, मैं भी आपके जैसा ही हूं। हम सब स्ट्रगल करते हैं। एक आप छोटी सी आदत, सुबह उठने की जल्दी, आप करके देखिए और फिर देखिए कि आप पर कितने दबाव आते हैं, कितने एक्सक्यूजेस, बहाने आते हैं। तो कोई शख्स नहीं कर रहा, पर हां, जो शैतान है अपनी शैतानी हरकतों से, ताकतों से आपको गिराना चाहता है, दबाना चाहता है, और नहीं चाहता कि आपका जीवन भला हो, कोई भलाई आपकी जिंदगी में आए। सुबह उठने से बहुत सारी भलाइयां हैं, बहुत भलाइयां हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। भलाइयां है ना, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। वो नहीं चाहता कि विश्वासी हेल्दी हो, वो नहीं चाहता कि विश्वासी वेल्दी हो, वो नहीं चाहता कि विश्वासी वाइज हो। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, दुआ करने की सफल हूं। कुछ तो काम ऐसा, कुछ शहर ऐसा है ना, जो अर्ली टू बेड कभी हो नहीं पाता। पर हां, हम कोशिश कर रहे हैं, कीप ऑन स्ट्रगलिंग। इस अगर आप इस रेजोल्यूशन में गिर रहे हैं, इसको आप मामूली बात ना समझे, छोटी बात ना समझे, यह एक शैतान का अटैक है। और वो नहीं चाहता कि विश्वासियों का भला हो। विश्वासी जब भले होंगे, भलाई होगी तो मजबूत होंगे, कलीसिया मजबूत होगी। When people are wealthy, they are wise। तो देखिए, एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया कितनी जल्दी बनती है। अभी तो यहां पर लंबे लंबे अनाउंसमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि वेल्थ भी कम है और विजडम भी कम है। नहीं, फैक्ट है। अगर एक परिवार खुश है तो समाज खुश है। एक बेसिक यूनिट तो परिवार ही है ना, और उसका बेसिक यूनिट एक शख्स है। एक शख्स, शख्सों को जोड़ के फैमिली, फिर फैमिलीज को जोड़ के एक सोसाइटी। उसी तरीके से है कलीसिया। एक शख्स, एक शख्स को जोड़ा किसी के साथ तो फैमिली बना, फिर फैमिलीज को जोड़ा कांग्रीगेशन। तो अगर एक शख्स हेल्दी, वेल्दी, वाइज है और वो दूसरे शख्स के साथ जुड़ गया जो हेल्दी, वेल्दी, वाइज है, तो डबल डबल हो जाएगा। और जब डबल हो जाएगा तो उनकी औलाद भी वैसे ही होगी, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये हेल्थ, वेल्थ एंड जो विजडम है, ये फिर आगे पास ऑन होगी। फिर ये पास ऑन होगी कॉन्ग्रीगेशंस में, ये चर्च में। फिर आपकी जो हेल्थ, वेल्थ, विजडम है, फेथ भी है, वो फिर आगे पास ऑन होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। कलीसिया पर कलीसियाएं बनती चली जाएंगी। शैतान ये नहीं चाहता। देखिए, शुरुआत कहां से हुई थी, आपके एक छोटे से रेजोल्यूशन से, सुबह जल्दी उठने के। बट हाउ इट अफेक्ट्स द किंगडम ऑफ गॉड, वहां पर छोटा सा अड़चन डालने से शैतान ने परमेश्वर के राज्य के फैलाव में बहुत बड़ी अड़चन डाल दी, बहुत बड़ी अड़चन डाल दी। तो अपनी इन स्ट्रगल्स को आप छोटा ना समझे। यू आर डीलिंग विद सम पावरफुल, पावरफुल एनिमी। आज अगर खुदा ने मौका दिया, पर अभी टाइम नहीं हो पाएगा, मैं धन्य वचन, जो 7 धन्य वचन बाइबल में और इस किताब में मिलते हैं, उन पर आपसे बात करना चाहता हूं। धन्य वचन सिर्फ वहीं पर नहीं है प्रकाशित वाक्य में, धन्य वचन यहां पर भी हैं। धन्य का मतलब क्या है? मुबारक। इंग्लिश में क्या है? ब्लेसड। और एक बड़ा अच्छा जो इंग्लिश का वर्ड है, इजी वर्ड है, हैप्पी। हैप्पी आर दोज, इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसड आर दोज, पर एक हैप्पी वर्ड है, बड़ा आसान सा है और बहुत जल्दी समझ में भी आता है ना। उसका जब हम हैप्पी बोलते हैं तो हैप्पी शख्स का चेहरा भी समझ में आता है ना, एकदम दिखता भी है। हैप्पी आर दोज, क्योंकि जो मन की कड़वाहट है,
जो मन की गंदगी है वो चेहरे पे भी जाहिर होती है। उसी तरीके से आपकी खुशी है, संतुष्टि है, है ना, आप हेल्दी हैं, वेल्दी हैं, वाइज हैं, वो आपके चेहरे से भी रिफ्लेक्ट होगा। कपड़ों से तो होता है, पर कपड़ों से इतना नहीं होता है। कपड़े तो बहुत से पहन लिए, महंगे पहन लिए, पर जब चेहरा देख लिया तो बिल्कुल विपरीत लगता है। कपड़े सादे हों, कपड़े जैसे भी हों, ठीक है, पर वो हैप्पी वाली फीलिंग जो है वो चेहरे से ही आती है। हैप्पी आर दोस, मुबारक हैं वो, ब्लेसड आर दोस, धन्य हैं वो लोग, देखो इनको। और यहां पर प्रकाशित वाक्य का जो पहला धन्य वचन है वो हमको यहां पर मिलता है। मैं आपको बताऊंगा कि आप उन जगहों पर और धन्य वचन देख सकते हैं, और आप जरूर देख के आइएगा, क्योंकि इसके बाद जो एक दो सर्मन्स मेरे और होंगे वो इसी पर होंगे, धन्य वचनों पे। अब आपके पास एक मॉडल मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट हाउ यू कैन बी हैप्पी। मैं नहीं, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर बता रहा है। अब ये देखिए किन लोगों को बता रहा है जो कितने बुरे सताव में थे, कितनी बड़ी तकलीफों में थे। कई हमारे ऐसे अजीज हैं जो जरा सी परेशानी में बिल्कुल बिखर जाते हैं, और उस वक्त अगर आपने उनको छू दिया तो आप भी बिखर जाओगे, बिखेर देंगे आपको वो। कई ऐसे हैं जो बहुत बड़े दुख को अपने जिंदगी में लेकर घूमते रहते हैं, और उनके चेहरे से, उनके जीवन की बातों से पता नहीं पड़ता, जब तक आप उनके साथ कम से कम कुछ दिन ना गुजार लो कि ये किस में से गुजर रहा है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी गवाहियां हैं, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों से लोग होकर गुजरे हैं, बहुत बड़ी तकलीफों से लोग निकलकर उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की। हाँ, इंसान होने के नाते कभी आंसू आ गए हों, या कभी किसी से अपना छोटा सा दुख बांट लिया हो, पर सारी बातें नहीं कहीं, पर खुशी के साथ वो लोग निकल गए और उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। तकलीफें थी, चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी, पर वो निकल गए, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। और मैं एक पासवान होने के नाते, क्योंकि मेरा संपर्क पासवानों से, बिशपों से और चर्च के लीडर से रहता है, तो मिशनरीज के आप जीवन को देखें, उनके जीवन आसान नहीं थे, तकलीफों से भरे हुए थे। यहां तो हमारा जरा सा एक ट्रांसफर होता है तो हम बहुत बिगड़ से जाते हैं, पर उनका तो देश ट्रांसफर हो गया था। अपने सब घर बार को, सबको छोड़कर यहां पर आ गए थे, यहां वो रहे, उन्होंने प्रचार का काम किया। कभी कभी आपको अगर मिशनरीज की बुक्स मिले, बायोग्राफीज मिले, आप जरूर पढ़िएगा। और ये मिलती हैं, आजकल हिंदी में भी ट्रांसलेशन बहुत चल रहा है, OM बुक डिपो है, बाइबल सोसाइटी, यहां पर जाएं, कभी कभी आप इन जिंदगियों के बारे में पढ़ें। आसान नहीं था। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और वेल्लोर, जिस लेडी ने बनाया, डॉक्टर आइडा स्कडर, उनके बारे में पढ़ें आप, कैसे उन्होंने क्लिनिक के रूप में अपने काम को शुरू किया। बहुत बड़े बड़े महान महान हस्तियां रहे हैं जिनके जिंदगियों में बहुत बड़े दुख थे, पर चेहरे से कभी जाहिर नहीं हुआ, और बहुत बड़े काम किए उन्होंने, बहुत बड़े काम किए, बहुत लोगों के लिए बरकत का, तसल्ली का, खुशी का बाइस बने। तो परमेश्वर ने भी इन लोगों को संभालने की कोशिश की, इनको उन दुख और तकलीफों में छोड़ा नहीं, इनकी दुआओं को सुना, इनको याद किया, और इनको तसल्ली भरे वचन दिए। ना सिर्फ तसल्ली भरे वचन, बल्कि इनको कहा, शाबाश, तुम बने रहो, अभी तो तुम्हें दुख और तकलीफें, कमी और घटी है, दर्द है, पर एक समय है तुम्हारे लिए। इस तरीके से उनको एनकरेज किया। कई बार हमारे घर में बच्चे होते हैं जो हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं,
या किसी मेजर प्रॉब्लम का मेडिकल इलाज करवाने से घबराते हैं, आप क्या करते हैं? आप उनका हाथ थामते हैं, आप उनको एनकरेज करते हैं कि नहीं बेटा, इसको कराने से ऐसा होगा। उस वक्त आपके भी दिल में, आपके भी आंखों में आंसू होते हैं, पर आप अपने आंखों को, आंसू को, दिल के आंसुओं को रोक कर आप अपने बच्चे की हिम्मत को बांधते हैं। उसी तरीके से परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों के आंखों के आंसू देखे, उसने त्यागा नहीं उनको, उसने छोड़ा नहीं उनको, कस के उन लोगों का हाथ पकड़ा और उनको तसल्ली दी, उनके विश्वास में बने रहने के लिए उनको कहा, उनको समझाया, उम्मीद में बने रहने के लिए उनको उनको उकसाया कि अभी उम्मीद रखो, सब कुछ नहीं खोया है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और तुम्हारा है। आप इमेजिन करें, उस वक्त जिस वक्त परसिक्यूशन बिल्कुल हाइट पे था, सताव बिल्कुल ऊंचे पर था, आप अगर मसीह हैं, आपका जीना हराम था, आप जी नहीं सकते थे, आपसे लोग संपर्क नहीं रखते थे, आपको दुश्मन समझते थे, आपके जान के पीछे पड़े रहते थे। हो सकता है मैं और आप कभी उस चीज को इमेजिन भी ना कर पाए कि सताव में विश्वास को पकड़े रहना क्या होता है। हाँ, पर इस तरीके से कमी और घटियों में विश्वास को पकड़े रहो तो आप समझ जाओगे सताव में विश्वास को पकड़े रहने से क्या होता है। कई बार जरा सी परेशानी जिंदगी में आई, नहीं पता नहीं कहां है खुदा, सुनता है नहीं सुनता, ये बातें सच है या बुरी, ये गलत है, कहीं मैं पागल तो नहीं बन रहा कि इन बातों पर विश्वास करता हूं, अंधाधुंध विश्वास करे जा रहा हूं। ऐसे मौके पर विश्वास को बनाए रखने के लिए बहुत तसल्ली भरे वचन चाहिए होते हैं, और यहां पर इस पुस्तक में हमें ये धन्य वचन मिलते हैं। एक और आज हमारे इस कलीसिया के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए एक नमूना है कि देखो, धन्य है वो लोग, हैप्पी आर दोज, संतुष्टि है उनके जीवन में, तसल्ली है उनके जीवन में, ईमान उनके जीवन में है, उम्मीद उनके जीवन में है। किन लोगों के जीवन में? आ जाए इस पहले धन्य वचन पे, वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जो सुनता है, जो मानता है। तो अगर आज की कलीसिया और आज का चर्च, आज आप लोग धन्य होना चाहते हो, संतुष्ट होना चाहते हो, हैप्पी होना चाहते हो, ब्लेसेड होना चाहते हो, और प्रभु यीशु मसीह की निगाहों में एक अच्छे सेवक बनना चाहते हो, तो क्या करना है हमें? हाँ, यहां के मुताबिक वचन को पढ़ना है, वचन को पढ़ना है, उसको सुनना है, समझने की कोशिश करना है, और उसको मानना भी है। ये एक मूल मंत्र सा दिया जा रहा है, एक फॉर्मूला, एक मैजिकल फॉर्मूला दिया जा रहा है आपको। और उस वक्त ही कलीसिया, मतलब जस्ट इमेजिन, इतने परसिक्यूशन में थी, इतने बड़े सताव में थी, वहां पर पढ़ना कितना मुश्किल होगा। आप बाइबल नहीं रख सकते थे, बाइबल तो खैर थी भी नहीं ऐसी प्रिंटेड, आप लोग जमा भी नहीं हो सकते थे, जैसे हम आज जमा हैं, दरवाजे खोलकर, खिड़कियां खोलकर हम जमा हैं, यहां पर कारें खड़ी हैं बाहर, लोग जानते हैं कि दुआ चल रही है अंदर। ऐसा वक्त वो नहीं था। उस वक्त में तो पढ़ना और सुनना, लोगों की रूह कांप जाती होगी, जैसे अभी भी होता है ना कई बार, आपकी किसी से एनिमिटी है, दुश्मनी है, आपका कोई दोस्त है, वो जानता है कि आपकी इससे नहीं बनती, तो वो आपका दोस्त इससे मिलते हुए कतराएगा, चाहे उनका दिल मिलता हो, बात करना चाहते हो, पर आपके सामने वो घबराएंगे, पीछे पीछे मिलते रहेंगे, सामने नहीं मिलेंगे, घबराते हैं, डरते हैं। और ऐसी सिचुएशन इंडिया में भी थी, इमरजेंसी के टाइम पर आप कुछ बोल नहीं सकते थे, आप कुछ लिख नहीं सकते थे, और जो पुलिस में है, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो जानते हैं कि किस किस तरीके से
क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए आवाज को खामोश कराने के लिए। तो ऐसे वक्त में उनको बोला गया कि धन्य है वो, मुबारक हो तुम लोग जो इतने सताव में भी, इतने लोगों की निगाहों में, पैनी निगाहों में वो देखना चाहते हैं कि कौन मसीह है, फिर भी तुम मिल रहे हो, फिर भी तुम वचन को पढ़ रहे हो, फिर भी तुम वचन को सुन रहे हो और उसको मानने की भी कोशिश कर रहे हो। जब आप मानते हैं तो वो दिखता भी है कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं। उस वक्त इन पे जोर क्या था कि तुम रोमी हुकूमत का जो सम्राट है उसके सामने सर झुकाओगे। अब इन्होंने वचन को पढ़ा सुना और जब ये हुक्म आया उन्होंने कहा नहीं, हम सर नहीं झुकाएंगे। ये तो अपने आप में गवाही हो गई कि ये तो मसीह लोग हैं। और परमेश्वर ने कहा मुबारक हो तुम, यू आर ब्लेस्ड, यू आर अ हैप्पी पर्सन, धन्य हो तुम। और आज भी परमेश्वर का वचन यही हमको कहता है कि धन्य है वे लोग जो आज वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और वचन को अमल करते हैं, पूरा करते हैं, जो मानते हैं और अपने मानने से वो गवाही देते हैं। जैसे सबत का दिन तू पाक रखना, आपने ये वचन सुना, आपने ये समझा और आप सबत के दिन इबादत करने के लिए आ गए। आपने भले ही मुंह ना खोला हो पर प्रचार कर दिया अपने परिवार में कि आई फॉलो द कमांडमेंट्स, मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूं और उसको पूरा करता हूं। आपने आस पड़ोस में वहां पर ये गवाही दे दी कि मसीह लोग जो हैं वो इतवार को इबादत करते हैं और ये इतवार को तैयार होकर जाते हैं, इनके हाथ में कुछ किताब सी होती है, जरूर ये क्रिश्चियन सी होंगे। ये विटनेस है। जैसे स्टार दिसंबर के महीने में स्टार टंगा, आपको पता पड़ जाता है ये मसीह घर है। सबत के दिन लोग निकल के घरों में से जा रहे हैं, जो अंदर आ रहे हैं ये लोग ईसाई हैं। ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। परमेश्वर ने कहा कि धन्य है वह लोग जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सुनता है, जो वचन को मानता है। क्योंकि समय समय निकट है। कौन सा समय? इसको आप ऐसे लें, परमेश्वर के आने का, यीशु मसीह के आने का नहीं, यीशु मसीह से मिलने का समय निकट है। या तो वो आएगा और या आप जाओगे। नाउ यू गेट द पॉइंट। उसका आना कब है निश्चित है नहीं मालूम, हमारा जाना निश्चित है कब होगा ये नहीं मालूम। ये अगले पल हो सकता है, कल हो सकता है, 10 साल के बाद हो सकता है, 20 साल के बाद हो सकता है, पर होगा जरूर। हमने देखा है, तजुर्बा किया है, समय निकट है और समय एक बहता पानी है। समय एक बहता पानी है। जब मैं अपनी उम्र के बारे में सोचता हूं मुझे आज भी वो बचपन की बातें मेरे को याद हैं। आप भी अगर अपने पीछे जाएं तो आप बहुत सालों तक पीछे जा सकते हैं और लगेगा कि समय इतने जल्दी निकल गया, अभी तो इतने से थे अब इतने हो गए, घर में बच्चे छोटे से थे और अब इतने बड़े हो गए कि इनकी शादी के लिए सोचना है। समय पता नहीं पड़ता, समय निकट है, बिल्कुल पास है, नजदीक है। कब मुलाकात हो जाए नहीं मालूम। तो जरूरी है कि तुम उसकी बातों को सुनो, उसकी बातों को पढ़ो, उसकी बातों को समझो, उसकी बातों को पूरा करो। और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मुबारक हो, धन्य हो। वचन को पढ़ो, देखो सताव में, तकलीफों में, कमी घटी में, दुख दर्द में, शोक में कितनी तसल्ली मिलती है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके घर के अजीज कुछ नजदीक समय में या कुछ पहले परमेश्वर के पास चले गए। आपको वचन पढ़ने से तसल्ली मिली या नहीं मिली? आपको हिम्मत मिली या नहीं मिली? आपको उम्मीद मिली या नहीं मिली? वचन पढ़ने से
वचन ताकत है। पर अफसोस यह है कि हम जानते सब कुछ हैं पर हम करते नहीं। जानते हैं सुबह उठना अच्छा है पर करते नहीं। ये शैतानी हमले हैं, शैतानी ताकतें हैं। उस वक्त रोम की ताकत पूरी थी कि ये लोग ना मिले, ये लोग वचन को ना पढ़े, ये लोग वचन को ना सुने। क्योंकि पॉल और दूसरे शागिर्दों के बारे में प्रेरितों काम की पुस्तक में एक गवाही थी। गवाही क्या थी कि ये जहां पर भी जाते हैं सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं। दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। और इसीलिए वहां पर जो रोम में जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल थे, तीर्थ स्थान थे दूसरे विश्वास के, वहां के लोगों ने उन्हें कहा कि भैया तुम यहां से जाओ, यहां पर रहकर तुम प्रचार मत करो, क्योंकि यहां पर जो पूरी इकोनॉमी है, जो पूरी पॉलिटिक्स है, जो पूरी सोसाइटी है, इस मंदिर पर आधारित है, इस विश्वास पर आधारित है। और जब तुम दूसरा विश्वास बताते हो तो सारा कुछ तुम उल्टा पुल्टा कर देते हो, सारा जो हमारा अरेंजमेंट है उसको बिगाड़ देते हो, लोग तुम्हारी सुनने लगते हैं, तुम्हारे पीछे हो लेते हैं। यहां की इकोनॉमी खत्म हो जाती है, यहां के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बिगड़ जाते हैं, यहां की सोसाइटी बिगड़ जाती है, तुम तो उल्टा पुल्टा कर देते हो। तो इसलिए रोमी हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये लोग वचन को पढ़ें, क्योंकि रोम की ताकत जानती थी और रोम के पीछे शैतान है, जो शैतान जो ताकतवर है, जो रोम को चला रहा था, वो जानता था कि वचन में ताकत है। पहले भी वो वचन से हारा था। प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम में से उन वचनों को पढ़ पढ़ कर ही तो शैतान को भगाया था और उस वक्त विजय को हासिल किया था, जो यीशु की परीक्षाएं हैं। तो शैतान जो रोम के पीछे था वो जानता था कि जितना ये वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मानेंगे, उतना ये शक्तिशाली बनते चले जाएंगे। इनका मिलना रोको, इनका वचन का पढ़ना रोको। और ये सिर्फ उस वक्त नहीं, बल्कि चर्च के इतिहास में आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि एक वक्त था जब रोमन चर्च ने इतना अत्याचार किया था कि बाइबल सिर्फ लैटिन भाषा में, चाहे भारत में हो, लैटिन भाषा में पढ़ी जाएगी, लैटिन भाषा में पढ़कर सुनाई जाएगी, और सिर्फ पासबान या बिशप पढ़ेगा और लेमन नहीं पढ़ सकता। तो शैतान ने कलीसिया में भी आकर इस तरीके से कलीसिया के लोगों पर अत्याचार कराया। पर खुदावंद का शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए, और मैं भी सोचता हूं कि आप भी मेरे साथ शुक्रगुजारी में जुड़ेंगे उन विश्वासियों के लिए जिन्होंने सताव के बावजूद भी परमेश्वर के वचन को पढ़ा, सुना, माना और अपने तरीके से उसका प्रचार किया। ना सिर्फ इस वक्त के लोग, बल्कि कलीसिया में जितने लोग रहे, जितने हमारे बुजुर्ग रहे, उन्होंने वचन को थामे रहा और वचन उनको थामे रहा। और इसीलिए परमेश्वर की नजर में ये लोग धन्य ठहरे, मुबारक ठहरे, ब्लेसड। परमेश्वर ने बहुत इनको आशीष दी। तो आइए आज हम इस वचन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाले समय में मैं आपको जो दूसरे धन्य वचन हैं उनके बारे में आपसे बात करूंगा। पर अगर आप नोट करना चाहते हैं, आप नोट कर रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं इस वक्त कि जो धन्य वचन हैं कहां कहां और मिलते हैं। पहला तो था प्रकाशित वाक्य 1:3, दूसरा 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत, फिर 16 अध्याय उसकी 15वीं आयत, 19 अध्याय उसकी 9वीं आयत, 20 अध्याय उसकी 6 आयत, 22 अध्याय उसकी 7वीं आयत, फिर आखिरी 7वां धन्य वचन 22 अध्याय उसकी 14वीं आयत। अगर आप मिस कर गए हैं तो आप मुझसे आकर ऑफिस में आप इन बातों को आप नोट कर सकते हैं और पढ़ के आएं, और परमेश्वर आपके जीवन को भी इन वचनों के जरिए धन्य करेगा, मुबारक करेगा, आशीषित करेगा, अपना अनुग्रह, अपनी कृपा आप पर ऊंडे लेगा। जैसे पहली कलीसिया में, चर्च के इतिहास में, आज भी वो वचन के जरिए मेरे और आपको आशीष देना चाहता है। शागिर्दों से कहा प्रभु यीशु मसीह ने
जब काफ़ी लोग वापस चले गए, यीशु मसीह को छोड़ गए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो। उस वक्त शागिर्दों ने क्या कहा कि हम कहाँ जाएं? जीवन के वचन तो तेरे पास हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, और धन्यवाद देते हैं उन अपने बुजुर्गों के लिए जो पहली शताब्दी में थे और जो चर्च के इतिहास में रहे, जिन्होंने वचन को थामे रहा और वचन को मजबूती से पकड़े रहे और वचन को आगे पास ऑन करते रहे। और नतीजा यह है कि आज वचन हम सभी के पास है, हम सभी के हाथों में है, हमारे दिलों में है, हमारे दिमागों में है, और आज वचन को समझने वाले, समझाने वाले लोग भी हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन लोगों के लिए, और प्रार्थना करते हैं कि जब आज हम चर्च के इतिहास में, आज हम वो कड़ी हैं जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए इस वचन को आगे भेजेगी, तो पिता परमेश्वर तू हमको सच्चा और ईमानदार ठहराना। हम आने वाली पीढ़ी के लिए बरकत का बायस बने वचन को आगे पहुंचाने से, और आज अपनी जिंदगियों में हम बरकत और अनुग्रह को लेकर आएं, तेरे फजल को, तेरे रहम को लेकर आएं, तेरे कलाम, तेरे वचन को पढ़ने के जरिए, सुनने के जरिए, मानने के जरिए, क्योंकि यही रास्ता है जो तूने यहाँ पर इस पद में हमें सिखाया, हम उसको ईमानदारी से हम फॉलो कर सकें। ये प्रार्थना हम तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर, आमीन।